सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू कुक विद नोश। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा कटलेट्स। यार ये रेसिपी ना बहुत ही आसान है। आप लोग सोचते होंगे मैं हर रेसिपी में यही बोलती हूँ, तो यार मैं लाती ही इतनी आसान रेसिपी हूँ आप लोग के लिए। तो ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए जिसको मैंने बॉयल कर लिया, अच्छी तरीके से मैश कर लिया जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने चिल्ली फ्लेक्स लिए है, 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च लिए हैं, नमक लिया हसबे जायका, और यहाँ पे कुछ सब्जी लिए, आप लोग अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, प्याज हो गई, गाजर हो गई और शिमला मिर्च हो गई। ये तीनों चीज़ें ली, अच्छे तरीके से उसको चॉप कर लिया, चीज़ लिए 1 कप, चिकन लिए उसको बॉईल कर लिया सिंपल, और उसका रेशा कर लिया जी मैंने, और तेल लिया हसबे ज़रूरत। और यहाँ पे अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप लोग केचप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसके लिए। आलू लिया, आलू के अंदर नमक डालेंगे और काली मिर्ची डालेंगे ताकि हमारे आलू में भी कुछ फ्लेवर आ जाए, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, पैन के अंदर मैंने 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसको चिकन को थोड़ी देर फ्राई करा, इतना भी ना फ्राई करिएगा कि कलर चेंज हो जाए चिकन का। उसके बाद यहाँ पे हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जी इसके अंदर हमने सब्जी ऐड करी और सब्जियों को फ्राई करना है, इतना भी ना फ्राई करिएगा सब्जियों को भी कि सब्जियों का जो है ना कलर चेंज हो जाए, सब्जियों का कलर चेंज नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल सब्जियों का कलर चेंज हो जाए, बस इतना करिएगा कि सॉफ्ट हो जाए सब्जियाँ। ये देखिए जी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई थी, कलर भी चेंज नहीं हुआ। इसके पास पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स मिक्स करेंगे इसको। मिक्स मिक्स करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, इसको निकालेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़े छोड़ देंगे। ये देखिए जी आलू लिया, आलू के बीच में हमने स्टफिंग रखनी है थोड़ी सी, आप लोग अपने साइज का बना सकते हैं, बड़ा छोटा ट्रस्ट मी मैं आप लोग के घर पर आके नहीं देखूंगी। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा साइज का बनाया है। उसके बाद चीज़ रखी बीच में और दोबारा से थोड़ा सा रख के ऊपर सही से बंद करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो टूटे ना। यहाँ पे मैं ऐसे ही सारे बना लूंगी अपने। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने अपने सारे तैयार कर लिए, अब इसको हम कोट करते हैं। यहाँ पे मैंने अंडा लिया 1 अदद, उसको फेंट लिया, ब्रेड क्रम्स लिए, मैदा लिया है जी, अब इसको पहले हम मैदे में कोट करेंगे। मैदे में अच्छी तरीके से कोट करने के बाद इसको हमने अंडे में डिप करना है। अंडे में अच्छी तरीके से हम इसको डिप करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। आप लोग ब्रेड क्रम्स जो है घर के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाहर के यूज करें। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। यहाँ पे ऐसी ही सारे मैं तैयार कर लूंगी। ये देखिए जी ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के अच्छी तरीके से तैयार कर लिए। तेल लिया मैंने, तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया, ठंडे तेल में मत डालिएगा वरना आलू जो है सारा तेल पी जाते हैं तो वो अजीब से हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने अपने सारे तैयार कर लिए, ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।